सत्तवीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडा अध्याय 12 की अभ्यास 12.2 दे पहले चार क्वेश्चन की वीडियो तुहानू पहले ही मिल चुकी है, तुसीं देख चुके होणगे। तो जे अजे नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसका लिंक भी लै सकते हो, तो वीडियो के एंड भी तुहानू उसका लिंक शो होएगा। हुण असीं पंजवां क्वेश्चन शुरू करन लगे, ध्यान दिखियो। बीज गणितिक व्यंजकां नूं घटाओ, सबट्रैक्ट द अलजैबरिक एक्सप्रैशन। घटाओ करनी बेटा, तीन एक्स की दो नू ए जो विचों वर्ड आ गया यदा मतलब आ चीज़ पहला लिखनी है विचों के नाल वाली। दिस फ्रॉम दिस, इंग्लिश वाले बच्चे ने फ्रॉम तो बाद वाली रकम वड्डी होंदी है बेटा, घटाओ हमेशा वड्डी चो छोटी होंदी है ना, तो वड्डी रकम पहला लिखते हैं छोटी बाद च। इधर भी यही गल है, फ्रॉम तो बाद वाली वड्डी होंदी है, विचों के नाल वाली वड्डी होंदी है। इस करके असी पहले सवाल नू जदों करांगे तो असी किद्दां लिखांगे, देखो ध्यान नाल। असी जदों हल करांगे इसका ध्यान दिखना है, सब तो पहले लिखना है सत्त एक्स की घात दो, ये विच्चों माइनस करांगे तीन एक्स की घात दो। हुण जदों असीं घटाओ करनी है तो सिर्फ मैथ वाली रकम जुड़ दियां ते कट दियां ने बेटा, इस गल का ध्यान रखो। एक्स की घात दो सेम रहेगा, उन्हें नहीं बदलना। सत्त विच्चों तीन घटाओ किने रह गए, चार। तो तुहाडा आंसर आ गया चार एक्स की घात दो। क्वेश्चन खत्म। इस तरह बी पार्ट देखो, विचों दे नाल वाली फ्रॉम दे नाल भी रकम पहला लिखना है दस ए बी, तो उस दूजी रकम का साइन चेंज करने होंगे, दूजी रकम के साइन चेंज तुहाडे कोल माइनस दी है तो तुसी प्लस दी लिखनी है बेटा, तीन ए बी। पिछले क्वेश्चन भी देख सकते हो, तुम पहली रकम विचों के नाल वाली या फ्रॉम के नाल वाली सेम लिखनी होंगी है, तो दूजी रकम प्लस दी सी तुसी माइनस दी लिखी, इधर माइनस दी सी तां तुसी प्लस दी लिखी। हुण इंग्लिश वाले अक्षर सेम लिख देना होंदा है, ए बी है तो ए बी ही रहेगा। हुण दस के है प्लस का, तीन भी के है प्लस का, प्लस 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 होंगे, इस करके आंसर आ गया तेरह। ये तुहाडा इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। इस तरह साढ़े दो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तीजे क्वेश्चन वाल चलते हैं। तीजा क्वेश्चन देखो बेटा, विचों के नाल वाली रकम या फ्रॉम के नाल वाली रकम पहला लिखना होंगे ए माइनस बी। हुण जिहड़ी दूजी रकम उहदे साइन चेंज करने हैं, हुण कीवें करने हैं, इत्थे दो रकम ने बेटा, पहली रकम के नाल कोई चिन्ह नहीं है तो वह प्लस ही मनिया जाता है, मतलब ए भी माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस का ए माइनस का ही बी। हुण देखो ए माइनस तो ए प्लस कट गया, बचिया कौन, माइनस बी तो माइनस बी, माइनस किन्ने हो गए दो बी। ये तुहाडा की आ गया आंसर, माइनस बी तो माइनस बी किन्ने माइनस बी हो गए, माइनस दे दो बी। इस तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर वही फ्रॉम तो बाद वाला जा विचों दे नाल वाली रकम नूं पहला लिखना है। असी ध्यान देखियो, असी आ रकम लिख चुके हैं, फिर इस रकम का साइन चेंज, आ भी प्लस दी है कोई साइन नहीं है, ये भी प्लस दी है, दोनों कितनी हो जाएंगी माइनस दी हो जाएंगी, तो माइनस दे 15m तो माइनस दे ही 10n। हुण आपां लभांगे समान पदों वाली रकम, लाइक टर्म्स है ना। हुण एम वाली रकम तो एम वाली रकम आ दोनों ने, देखो ये दोनों का एम लग गया। हुण ध्यान नाल देखियो, दो किहदा है, दो दे नाल कोई साइन नहीं तो प्लस मनिया जाता है, तो 15 है माइनस का, रकम का चिन्ह उस तो पहला होंदा बेटा, दो प्लस का 15 माइनस का, प्लस माइनस माइनस होंगे आ, इस करके 15 चो 12 गए, दो गए 13, साइन हमेशा वड्डी रकम का, इस गल का ध्यान रखियो। इस तरह हुण एन वाली रकम देखो, 16 माइनस का, 10 20 माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो गए, यदा मतलब 16 चो 10 प्लस करने पैने ने तो हो गए 26, पर रकम के नाल साइन वड्डी रकम का लगना होंगे, वड्डी रकम 16 जो कि माइनस की है, ना लग गया एन, ए तुहाडा आ गया आंसर। आया समझ बेटा, ध्यान नाल समझना है, फ्रॉम तो बाद वाली रकम जां विचों दे नाल वाली रकम नूं पहला लिखना है, तो दूजी रकम दे सारियां रकमां दे साइन चेंज करने ने, फिर इंग्लिश दे अक्षर दी सेम अक्षरां वाली, देखो एम ते एम वाली अक्षरां नूं सोल्व करना वक्खरा, एन दे नाल एन वाले अक्षरां नूं सोल्व करना वक्खरा। पंजवां भाग देखो बेटा, फिर विचों के नाल वाली फ्रॉम तो बाद वाली रकम को पहला लिखना है, आप देखो ध्यान नाल, माइनस दे 3x जमा दे 2y प्लस जैड।
हूँ दूजी रकम की सारिया रकम के साइन चेंज करने, याद रखो पहली रकम के अगे कोई साइन नहीं होंगे तो प्लस मनिया जाना है, बन गया माइनस। दूजी रकम के मुझे प्लस है तो बन गया माइनस, तीजी रकम मुझे माइनस है तो बन गया प्लस। इस तरह आप कटाओ करनी होंगी है, इस गल का ध्यान रखियो। हूँ आप लभनिया होंगे ने समान पदों वाली रकम। समान पदों वाली रकम मतलब होंगे एक्स वाली दे नाल एक्स वाली रकम। पहले आप एक्स लिख लिया, हूँ तीन देखो कि तीन माइनस का है, दो कि वह भी माइनस का है। तुम्हें मैं दसिया जो माइनस माइनस होंगे तो असं जोड़ करते हैं, की करते हैं असं जोड़ करते हैं, जोड़ कर दौ तीन तो दो पांच, निशान वड्डी रकम का ही लाना माइनस का क्योंकि वड्डी रकम माइनस की है। हूँ वाई वाली दे नाल वाई वाली रकम देखा, दो कि प्लस का, अठ कि माइनस का। जो एक रकम प्लस की हो एक रकम माइनस की हो फिर असी घटाओ करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं बेटा जी, वड्डी तो छोटी घटाओ करते हैं। वड्डी अठ है छोटी दो है, अठा च दो छे, वाई दे नाल की लग गया छे पर साइन वड्डी रकम का, वड्डी रकम दो है ज अठ है, अठ है नाल की लगा माइनस। हुण बात करते हैं जैड वाली रकम की, कुछ ना लगा हो एक हुंदा उत्थे, ते एक जैड वाली रकम के नाल एक लगा प्लस का, तीन लगा वह भी प्लस का, दोवें रकम प्लस दियाँ होण तां असीं जोड़ करते हैं, इस करके तीन ते एक चार, वड्डी रकम का निशान प्लस का ही लगेगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। इस तरह असीं दो रकम दो व्यंजकों नूं जोड़ या घटाओ करते हैं। एफ पार्ट देखते हैं, आप बहुत ही सौखे ढंग कर रहे हैं, उम्मीद है समझ आ रही है तुहानूं। सब तो पहला विचों दे नाल वाली जां फ्रॉम तो बाद वाली रकम लिख लीए, आ रकम असीं लिख लीए। हुण दूजी रकम दे साइन चेंज करने, पहली साइन कोई नहीं है तो प्लस मन्या जाएगा, है ना, तो प्लस की बन गया माइनस अठारह एम दी दो माइनस तीन एन दी दो प्लस दो एम एन प्लस सत्त। ठीक है बेटा, हुण एम दी दो वाली रकम साढ़े को दो ने, तीन दे मोरे कोई निशानी है तो असं की मानते हैं प्लस मानते हैं, तीन एम दी का दो लिख के हुण देखो तीन प्लस का अठारह माइनस का, प्लस माइनस हो असं कटाओ करते हैं, अठारह चो तीन कटाओ पंद्रह, पर निशान वड्डी रकम का ही लगता है, इस गल का ध्यान रखियो। हुण एन दी घात दो वालियां भी दो रकम ने, देखो पहले एन दी घात दो लिख लीए, हुण दो हैगा माइनस का तीन भी माइनस का, दोवें माइनस के होण तां भी जोड़ करते हैं, तीन ते दो हो गए पांच, पर निशान वड्डी रकम के नाल वाला ही लगना है। फिर एम एन की गल करिए एम एन वाली रकम भी दो ही ने, इस करके एम एन लिख लिया। देखो हुण अठ दे मोरे भी प्लस, दो दे मोरे भी प्लस, प्लस 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 होंगे हो गए दस, पर निशान हमेशा वड्डी रकम का ही लगना है प्लस। हुण एम एन तो बाद एम वाली रकम जी इको ही है, देखो तीन ये भी हो गई, तीन ये भी हो गई, एम वाली रकम इको ही है, वो इको ही रहेगी। चार प्लस का सत्त प्लस का हो गए ग्यारह, ये तुहाडा इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। इस तरह साडा पंजवें क्वेश्चन के जिहड़े छे पार्ट जिहड़े ने कि कंप्लीट हो चुके ने। उम्मीद है तुहानूं समझ आएगा कि किस तरह असीं कटाओ करनी हुंदी है। लो जी छेवां क्वेश्चन ध्यान नाल समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। छेवां क्वेश्चन जिहदे विच लिखिया है कि इस दे विचों की घटाइए कि आ प्राप्त हो जाए, वट शुड बी सबट्रैक्टिड फ्रॉम दिस टू दिस। बिल्ले बिल्ले गल ध्यान रख लो, दो क्वेश्चन आते हैं, ये की घटाइए आ प्राप्त हो जाए, ये की जोड़िए कि आ प्राप्त हो जाए। हूँ ध्यान ना सुनने मेरी गल, जे घटाइए या सबट्रैक्ट लिखे है तो तुम पहली रकम के दूजी को घटा है, मतलब पहली करनी घटाई है, पहली रकम पहला लिखना है, दूजी रकम के साइन चेंज करनी है, मतलब पहली रकम वड्डी है दूजी रकम छोटी है क्योंकि ये घटा है। समझ लग रही गल, तो जे जोड़न वाला सवाल आ गया ये की जोड़िए कि आ प्राप्त हो जाए, हूँ ये जोड़ के वो मिलनी है, मतलब वो वड्डी है तो वह पहला लिखनी है, तो आ बाद च लिखनी है, फिर कटाओ करनी है। मतलब याद रखो कटाउन वाले दे विच पहली रकम वड्डी होंदी है, जोड़न वाले विच दूजी रकम वड्डी होंदी है, और जदों भी कटाओ करनी है तो वड्डी रकम नूं पहला रखी दा हुंदा है। हुण याद रखना है चाहे क्वेश्चन कटाओ दा आ जाए, इहदे विचों की घटाइए जां इहदे विच की जोड़िए, दोनों च करनी घटाई है, याद रखियो। एडिड भी लिखा होगा, वट शुड बी एडिड तो भी तुम घटाओ करनी है। समझ लगी गल, हूँ इतने की करना है, ये सबट्रैक्टिड वाला क्वेश्चन है तो आ वाली वड्डी हुई ना, ये मैं कहना विचों तो नाल वाली, विचों के नाल वाली रकम हमेशा वड्डी होंदी है, इस करके विचों के नाल वाली रकम जां फ्रॉम तो बाद वाली रकम नूं पहला लिखना हुंदा है, असीं लिखन जा रहे हैं। तो अगली रकम के साइन चेंज, दो एल प्लस का है माइनस का बन गया, माइनस तो प्लस का बन गया, प्लस तो माइनस का बन गया। हम
हूँ एल दे नाल कुछ नहीं है तो एक मने जाएगा है ना, एक एल इधर माइनस दो एल, पहला एल लिख लेने हैं, एक प्लस का दो माइनस का तो माइनस का एक आ गया क्योंकि दो चो एक गए एक होंगे, दो एम माइनस दे तीन एम प्लस दे किन्ने आ गए एक एम प्लस का, तो पांच एन चो चार एन घटाए प्लस का एक एन आ गया, ये तुहाडा आंसर आ गया बेटा। ध्यान में समझना क्वेश्चन, चाहे घटाओ जे घटाओ वाला क्वेश्चन आ गया तो साइन चेंज होने हैं दूजी रकम दे, पहली रकम सेम लिखी जानी है दूजी दे साइन चेंज होने हैं, जे जोड़ वाला सवाल आ गया तो फिर दूजी रकम सेम लिखी जानी है पहली वाले दे साइन चेंज होने हैं, उल्टा होंदा है। हुण सतवां क्वेश्चन करन लगे हां, लो जी सतवें क्वेश्चन च आ गया ना, देखो इहदे विच की जोड़िए कि यह प्राप्त हो जाए, वट शुड बी एडिड टू दिस टू ओबटेन दिस, तो हूँ जो तो जोड़न वाला क्वेश्चन आ गया तो दूजी रकम वड्डी होंदी है बेटा, दूजी रकम नूं सेम लिखना है, मतलब दो एल, टू एल माइनस थ्री एम प्लस फोर एन, चार रखना है बेटा, क्वेश्चन च मिसप्रिंटिंग हो गई सी, क्वेश्चन दे विच गलती सी, इस करके मैं दोबारा काट रहा, आ रकम लिखनी सी आपां पहला, एक्स की घात दो माइनस सत्त एक्स वाई जमा तीन वाई की दो, दूजी रकम सेम लिख ली, हुण पहली रकम जिहदे विच ऐड करना सीगा की जोड़ना सीगा उहदे साइन चेंज करने हैं, तीन एक्स की दो माइनस का हो जाएगा, दो एक्स वाई भी माइनस का हो जाएगा तुहाडे कोल, हुण तुसीं देखो एक एक्स की दो है तो तीन एक्स की दो है, एक प्लस का तीन माइनस का किन्ने रह गए दो एक्स की दो, पर साइन वड्डी रकम का, सत्त एक्स वाई दो एक्स वाई दोने माइनस देने इस करके नौ एक्स वाई बन गए, वाई की घात दो दे विच तीन ते एक मिल के हो गए जी चार, ये तुहाडा आंसर आ गया। तो इस तरह साडा सत्तवां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, समझ लगी तुसीं, घटाओ वाले सवाल दे विच पहली रकम नू सेम लिखना है दूजी रकम दे साइन चेंज करने हैं, जोड़न वाले विच दूजी रकम नू सेम लिखना है पहली रकम दे साइन चेंज करने हैं, उल्टा हुंदा है। अठवां क्वेश्चन, अठवा क्वेश्चन कहता है कि इस नूं एदे अते एदे जोड़फल विच घटाओ, ध्यान नाल समझना है, पहला देखो सबट्रैक्ट करनी है इनू फ्रॉम केरे विचों एदे ते एदे सम चो, पहले इहदा सम कर लीए, हुण सम करन दा एक होर तरीका भी तुहानूं दस्सण जा रहे हां, ध्यान नाल देखना है, पहली रकम आ वाली रकम पहले सेम उतार लैने, मतलब ए दी दो माइनस बी दी दो जमा सत्त ए बी जमा तीन, हुण दूजी रकम जो उतारनी है तो थले उतार लियो, पर ध्यान नाल दो ए दी दो तो ए दी दो तो थले लिखना है दो ए दी दो, बी दी दो है तो फिर प्लस चार बी दी दो, अठारह ए बी माइनस अठारह ए बी प्लस सत्त, तो इस तरह पहली रकम जो लिख ली, दूजी रकम लिखते वेले ध्यान रखना है कि जिहड़ी इंग्लिश वाली रकम है वह सेम होनी चाहिए है, ए दी दो वाली दे थले ए दी दो वाला लिखना है, बी दी दो वाले थले बी दी दो, ए बी थले ए बी, बगैर ए बी वाला बगैर ए बी, हुण देखो जिथे कुछ नहीं उत्थे एक मनिया जाता है, ठीक है, हुण एक भी प्लस का दो भी प्लस का किन्ने हो गए तीन, तो ए दी दो नाल लग जाना है, आई समझ, हुण इत्थे एक माइनस का है, देखो कुछ नहीं है एक मनिया जाऊगा ना, एक माइनस का तो चार प्लस का, प्लस माइनस माइनस होंदे ने इस करके तीन रह गए, पर वड्डी रकम का निशान लगना है बी तीन बी दी दो, हुण सत्त प्लस का अठारह माइनस का घटाओ होएगी ग्यारह ए बी आ गए, पर वड्डी रकम का चिन्ह माइनस है अठारह माइनस का है, सत्त भी प्लस तीन भी प्लस प्लस दे दस हो गए, इस तरह की किया असी पहले इन रकमों जोड़ कर लिए, हुण इहदे विचों घटाउणा है, हुण देखो किदां करांगे असी, आ रकम पहले लिखांगे तीन ए दी दो जमा दो बी दी दो माइनस अठ ए बी जमा अठ दे विचों इहनू घटाउणा है ना, ए दो तीन ए दी दो थले ए दी दो, तीन बी दी दो जमा तीन बी दी दो, ग्यारह ए बी माइनस दे ग्यारह ए बी प्लस दस, हुण जदों घटाओ करदे आ तां की करदे आ, सुण लो ध्यान नाल, जोड़ विच कोई चक्कर नहीं, घटाओ विच थलड़ी रकम दे निशान बदलने पैंदे आ सानूं, इस गल दा ध्यान रखियो, हुण निशान किद्दां बदलने आ इह देखो ध्यान नाल, किद्दां बदलने हुंदे आ, हुण देखो आ तीन दे मूहरे कुछ नहीं है प्लस है ना, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा माइनस, माइनस बन जाएगा प्लस, साइन बदलने आ ना तो प्लस बन जाएगा माइनस, रकम दे साइन चेंज करने हुंदे, तो हुण इहदे नाल की होया ए तीन ते ए तीन खत्म हो गए, ये कट गए, दो प्लस का हुण तीन दे नवां साइन देखना, दो प्लस का तीन माइनस का तो माइनस का एक बी दी दो, अठ माइनस ग्यारह प्लस प्लस दे तीन ए बी, अठ प्लस तो दस माइनस माइनस दे दो, तो तुहाडा आंसर आ गया माइनस एक बी दी दो जमा तीन ए बी माइनस दो, आंसर आ गया, पहला असी दो रकमों जोड़ की, जोड़ करन तो बाद पहली रकम के उस जोड़ के आंसर घटाया,
उम्मीद है समझ आया होगा तुहानू। नौवा क्वेश्चन करन लगे हूँ। नौवा क्वेश्चन देखो, आ रकम एदे नालों किन्ना घट है, मतलब आ रकम वड्डी हुई, वड्डी रकम नूं उपर लिखना हुंदा है। दो एक्स की दो जमा पांच एक्स वाई माइनस वाई की दो, तो फिर छोटी रकम के साइन चेंज, मतलब एक्स की दो कि हो जाएगा माइनस का, तीन एक्स वाई वी माइनस का, तो वाई की दो वी माइनस का, यह सौखा तरीका है। ठीक है, हुण दो एक्स की दो है तो एक एक्स की दो है ना, एक्स की दोनों लिख लिया, हूँ दो प्लस का एक माइनस का, दो चो एक एक इदा ही, हूँ एक्स वाई की गल आ गई, पांच एक्स वाई है, पांच प्लस का तीन माइनस का रह गए दो, वड्डी रकम का निशान प्लस, वाई की दो दे मोर इतने भी एक है, इतने भी एक है, पर दोनों ही माइनस देने बेटा, माइनस एक होंगे ने माइनस दे दो, तो ये तुहाडा आ गया जी आंसर। क्वेश्चन बहुत ही सौखे ढंग नाल कीता है, उम्मीद है तुहानू नौ क्वेश्चन कंप्लीटली समझ आ चुके होणगे। जेकर वीडियो वधिया लगी होवे जरूर लाइक करो, जरूर कमेंट करया करो, तो मेरे चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लियो, तो इस वीडियो नू वध तो वध शेयर करना है।